नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट स्किन लाइटनिंग क्रीम लेकर के आई हूँ, जिसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन टोन जो है काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाएगी, एक दो टोन जो है लाइटन होगी ज़रूर। और उसके साथ साथ अगर आपके फेस पे किसी तरह का दाग है, धब्बे हैं, काले दाग हैं, तो वो भी इस क्रीम से जो है फेड आउट होंगे, धीरे धीरे मेल्ट होकर स्किन जो है, कलर जो है आपकी ब्राइट होगी, निखरेगी, प्लस आपके दाग धब्बे भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बट ये क्रीम आप ध्यान रखिए, ये क्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको कोई भी ऐसी क्रीम्स या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करूँगी जिससे आपके स्किन पे कोई साइड इफेक्ट हो, क्योंकि मैं सेफ़ चीज़ें ही यूज़ करती हूँ और मैं आप लोग को सेफ प्रोडक्ट ही रिकमेंड करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को जो भी रेकमेंड करूँगी इसका रिजल्ट आपको बेशक मिलेगा, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम्स होगी। और इसको कैसे यूज़ करना है, इसका प्राइस कितना है और आप किस तरह से प्रिकॉशन लोगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, पहली नंबर बात, मैं आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। मैं इस वीडियो से बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्किन टोन, चाहे वो डस्की हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, वो बुरे होते हैं। सारे स्किन टोन जो है अपने जगह में बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये क्रीम्स लगाकर आपके जो अपनी स्किन टोन जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी लाइफ टाइम तक, बिल्कुल नहीं। जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करते रहेंगे आपकी स्किन टोन एकदम लाइट हो जाएगी, मतलब स्किन टोन आपकी लाइटन अप रहेगी, गोरी रहेगी, फेयर रहेगी आपके लैंग्वेज में। और जब आप इसे छोड़ देंगे तो आपकी स्किन जैसी थी वैसी ही दोबारा हो जाएगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर सच्चाई बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिनको लगेगा ये क्रीम लगाकर वो अपना नेचुरल स्किन टोन चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्रीम्स के नाम रेकमेंड करूंगी, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि स्किन वाइटनिंग का मतलब है कि हम अपनी स्किन टोन को सही तरीके से इवन आउट करना चाहते हैं, जहाँ पर अपनी स्किन के डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम अपनी नेचुरल स्किन कलर को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ बेस्ट सेफेस्ट स्किन वाइटनिंग क्रीम्स रेकमेंड करूंगी, और इस वीडियो में जो भी क्रीम मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो बहुत ही सेफेस्ट तत्व से, यानी कि बहुत ही सेफेस्ट इंग्रेडिएंट से बनाई गई है, जिसे कि किसी तरह का प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कोजिक एसिड और भी ऐसे जो सेफेस्ट तत्व होते हैं जो हमारे स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को जो है रोकते हैं और हमारे स्किन को बूस्ट करते हैं, हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर मात्रा में पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन और हमारा जो डेड सेल्स है वो रिमूव होकर हमारे न्यू सेल्स ग्रो होते हैं, प्लस वो सेल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और हमारी स्किन जो है इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइटन अप हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रीम जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो है बायलुमा क्रीम, और गाइस ये एक डीप पिगमेंटेशन एंड स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जो कि आपके स्किन में किसी तरह का डार्क स्पॉट है और किसी तरह का स्किन में दाग धब्बे हैं तो उसे इवन आउट करेगा और आपके स्किन टोन को ग्लो एंड ब्राइट करने में नेचुरली तरीके से जो है हेल्प करता है। और बायलुमा क्रीम जो है साइंसिफिकली सेफेस्ट स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है प्लस डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें कोई भी स्टीरॉयड कंटेंट नहीं है जो कि आपके स्किन को डैमेज करेगी। तो बेशक आप इस क्रीम को लंबी टाइम तक यूज कर सकते हैं, और इसका प्राइस जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि प्राइस मुझे याद नहीं है, ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों सेकेंड नंबर जो क्रीम है वो है डी मलान क्रीम। ये ग्लाइकोलिक एसिड, आर्ब्यूटिन एंड कोजिक एसिड से बनी हुई क्रीम है, जो कि आपके स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट एंड आपके स्किन डल डार्क हो गई है तो धीरे धीरे आपके स्किन से टैन को रिमूव करता है, आपके स्किन को इवन आउट करने में और आपको एक क्लियर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये 20 ग्राम की क्रीम है और ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। बट इस क्रीम को, डी मलान क्रीम को यूज करने के लिए ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा स्किन में किसी तरह का एक जख्म है, तो ये क्रीम आप ना लगाए, क्योंकि आपको इससे आपको इरिटेशन, जलन एंड रेडनेस की प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टार्टिंग में हो सकती है जब भी आप इस क्रीम को लगाएंगे। अगर
स्किन में किसी तरह का जख्म है तो उस पे भी ये क्रीम ना लगाएं। और ये क्रीम जो है ये भी काफी ज्यादा सेफ है, इसे आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके स्किन में नहीं होगा बिकॉज इसमें कोई भी स्टीरॉयड कंटेंट नहीं है। दोस्तों थर्ड नंबर क्रीम है कोजीविट क्रीम। ये कोजीविट जेल है जो कि आपके स्किन को इवन आउट करने में, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, प्लस आपके स्किन से डार्क स्पॉट को भी धीरे धीरे रिड्यूस करता है। इसमें भी काफी ज्यादा सेफेस्ट तत्व है जो कि आपके स्किन को किसी तरह का हार्म या साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। इसे भी आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन को एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों फोर्थ नंबर क्रीम है ब्रिलांटे। तो ये ब्रिलांटे क्रीम जो है ये बहुत ही अच्छा एक ब्राइटनिंग सीरम है और ये सीरम फॉर्म में आता है। ये भी आपके स्किन को जो है लाइटन अप करने में, ब्राइट करने में, एक क्लियर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है। और इन सब क्रीमों से आपकी स्किन जो है 2 से 3 टोन लाइटन अप हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके नेचुरल स्किन टोन को परमानेंटली कम्प्लीटली चेंज नहीं करते हैं। जब तक आप इसे इस्तेमाल करते हैं आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये भी आपके स्किन में किसी तरह का डार्क स्पॉट है, एजिंग की प्रॉब्लम है, आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, तो ये सब चीजों जो है फेड आउट करता है। प्लस ये पैराबेन सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी स्टीरॉयड कंटेंट नहीं है जो कि आपके स्किन को हार्म पहुंचाता है। आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं और ये स्किन को ब्राइट करता है क्योंकि इसमें स्किन ब्राइटनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया है और ये फास्ट एक्शन के साथ बेटर कॉम्प्लेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। ये भी आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और आपको ये क्रीम्स आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगी बहुत सारे साइट्स पर। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप ऑनलाइन से ना ले क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाकर ये सब क्रीम्स जो है परचेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्रीम जो है ये है स्किन ब्लेस क्रीम और ये भी एक स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है जो कि आपके स्किन को लाइटन अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लस इसमें भी जितने भी इंग्रेडिएंट या तत्वों का इस्तेमाल किया गया है आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है और इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कि लॉन्ग टर्म में यूज करने के बाद आपके स्किन को डैमेज करती है। ये बिल्कुल सेफ क्रीम है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट क्रीम जो है वो है लूमी व्हाइट क्रीम और ये भी एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो कि आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट एंड काले दाग धब्बों को धीरे धीरे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्लस अगर आप इसे लॉन्ग टाइम यूज करते हैं लूमी व्हाइट क्रीम को, तो ये आपके स्किन को जो है क्लियर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करने में, प्लस स्पॉटलेस स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये भी काफी ज्यादा सेफेस्ट क्रीम है और इसे आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके स्किन में नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्रीम जो है वो है मेलाग्लो रिच और ये क्रीम जो है आपके पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट के लिए आपके स्किन के नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को प्रोवाइड करने में, रिस्टोर करने में हेल्प करता है। इसमें भी कोई भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये काफी ज्यादा सेफेस्ट क्रीम है और इसे आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि इन सारे क्रीम्स को आपको मेडिकल स्टोर से परचेज करनी है बिकॉज वहाँ पे आपको ये ओरिजिनल क्रीम्स ही प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट साइट से मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज वहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कंप्लेन करते हैं। तो दोस्तों इन क्रीम्स का इस्तेमाल आपको ओनली नाइट में करनी है, डे में नहीं करनी है। कोई भी स्किन लाइटनिंग एजेंट या क्रीम का इस्तेमाल आपको ओनली नाइट में करनी है सोने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फेस को, अपने स्किन को क्लीन करना है, अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आपको स्किन को थोड़े से ड्राई होने देना है। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है इस तरह का स्किन लाइटनिंग कोई भी क्रीम। स्किन लाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल आप चेहरे पे पहले करोगे, उसके बाद आप अपनी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है वो आप फॉलो करोगे। जैसे कि आपने फेस वॉश करी, उसके बाद आपको इन क्रीम्स का इस्तेमाल करना है ऑल ओवर चेहरे पे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद 5 से 10 मिनट रुकने के बाद आप अपना कोई भी फेशियल सीरम, कोई भी नाइट क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर लास्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, इसीलिए मॉइस्चराइजर लास्ट में इस्तेमाल करें इस क्रीम को लगाने के बाद, पर 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद, ताकि ये क्रीम आपके स्किन में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। जब भी आप ये क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए 1 हफ्ते से या अभी से आपने स्टार्ट कर दी, तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना है डे टाइम में और सूरज की रोशनी से आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इस दौरान आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है क्योंकि ये आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके आपको एक बेबी स्किन टोन
टोन प्रोवाइड करें जिससे कि आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सन से स्किन को प्रोटेक्ट करें। और डी मिलान क्रीम यूज़ करने वाले को मैंने पहले ही बता दिया, सेंसिटिव स्किन है, रेड स्किन है, स्किन में किसी तरह का जख्म है, तो इसे यूज़ ना करें। और इन क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें तो आपको बेशक इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप मुझे वहाँ पे डीएम करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का आंसर वहाँ पे दे देती हूँ। और मैं आप लोग के सारे कमेंट को पिक करती हूँ, उस हिसाब से आप लोग के जो भी क्वेरीज होते हैं उसी के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियोज चाहिए तो मुझे आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस तरह के और भी वीडियोस मुझे लाने में मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।